ओनली फॉर लेस्बियन नहीं, जो एलजीबीटी जितने भी है सब लोग बहुत परेशानी में झल रहे, अभी हम फेस कर रहे हैं, बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। कोई कोई ऐसा भी कमेंट करता है कि आप लोग मर जाओ, फांसी में लटक जाओ, तो हम फिर भी इतना परेशानी झेल के हम लोग जिंदा रहते हैं। तो ये सब दिक्कत परेशानी इंसान सभी लोग होते हैं, मेल फीमेल हो या मेरे मम्मी पापा, तो हम लोग लेस्बियन है, गे है। प्रेम कैसे हुआ ऐसे आप तो थोड़ा बता दीजिए। तो प्यार हुआ था, हम पहले एक एनजीओ में काम करने गए थे 2020 में, तो यहाँ जाके हम दोनों का मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, फ्रेंडशिप हुआ, क्लोज फ्रेंड बने, उसके बाद प्यार हो गया। फिर उसने मुझे भेजा गुवाहाटी में आने के लिए कि तू अच्छा कुछ कर। हम जो एनजीओ में काम कर रहे थे ऐसे खुलने के लिए हम प्लानिंग किया था, तो बोला यह तो नहीं होगा, बहुत लोगों से पूछताछ किया तो कोई नहीं बता रहा था। गुवाहाटी में आए, आने के बाद प्रोसेस शुरू किया, फिर एनजीओ खुल के अभी हम लोग अच्छा से रह रहे थे, फिर एंगेजमेंट किया हम लोग। कितना साल हो गया आपको? हम लोग 2020 से हो रहा है हमारा रिलेशन। 3 साल हो गया? 3 साल हो गया। तो बहुत प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं? जी फेस कर रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उसको जल्दी से मेरिट को लिगरेट किया जाए, उसके लिए हम बोल रहे हैं। और ओनली फॉर लेस्बियन नहीं, जो एलजीबीटी जितने भी है सब लोग बहुत परेशानी में झल रहे, अभी हम फेस कर रहे हैं, बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। फैमिली इशू ऐसा भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि फैमिली का जो लड़की होता है उसको इतना हेडेक नहीं देता है, तो सोसाइटी जो है गांव वालों समाज एक होता है ना रीति नीति, तो उसी सब में बहुत दिक्कत होता है। और हमारा फैमिली भी बहुत मेंटली हेरेसमेंट में अभी बहुत कुछ फेस कर रहा है, तो इसी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारा जो एलजीबीटी है उसको उसका मेरिट जो है लीगलाइज किया जाए। तो आप लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या है, कुछ प्लान है वो मेरिट वगैरह? मेरिट वगैरह के लिए कुछ प्लानिंग नहीं है, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और आइन के खिलाफ हम नहीं काम कर सकते और करेंगे भी नहीं कभी भी, ये सोचा भी नहीं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि उसको लीगलाइज किया जाए जल्दी से जल्दी। और हमारा जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमको भी जिंदा रहना है, हम ऐसा तो हम मर नहीं जा सकते ना, इतना टॉर्चर जो सह लेते हैं। तो कोई कोई ऐसा भी कमेंट करता है कि आप लोग मर जाओ, फांसी में लटक जाओ, तो हम फिर भी इतना परेशानी झेल के हम लोग जिंदा रहते हैं। तो ये सब दिक्कत परेशानी इंसान सभी लोग होते हैं, मेल फीमेल हो या मेरे मम्मी पापा, तो हम लोग लेस्बियन है, गे है, सब लोग इंसान ही है। तो इसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंसान जो है जिंदा रहना है इस दुनिया में, ये इस भारत में, तो हमको ये लीगलाइज किया जाए, उसके लिए मैं हमारा सरकार को भी बोलूँगा।